अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। लेट्स कम टू द लेसन। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 42। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी वर रीडिंग लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 5। दिस इज ग्लोबल वार्मिंग एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट फ्रॉम पेज नंबर 42। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। प्रीवियस हमने सारा जो पढ़ा था वो वही रिलेटेड था इस चीज से कि दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तेजी से, वो बहुत डेंजरस है, एक थ्रेट है आने वाले वक्त के लिए, और 2020 तक जो है वो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, और उसके बाद जो 2070 तक है तो टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगा। उसकी वजह से बहुत जो नुकसान हैं वो हो सकते हैं। आइस कैप्स जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो मेल्ट होंगे तो वो पानी मेल्ट होकर ओशंस में, समंदरों में आएगा, और समंदर में जो है पानी की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर पानी समंदर में, ओशंस में बढ़ गई तो ऑब्वियसली वो पानी जब फैलना शुरू होगा तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो डूब जाएंगे, पानी में ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो जिंदगी है, जानदार हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो छोटे किस्म के जानदार और छोटे पौधे हैं, वो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। ये एक जो है वो एस्टीमेट है, एक जो है अंदाज़ा है। साइंटिस्ट ने पूरी रिपोर्ट इसके बारे में पेश की थी। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसी की डिटेल है थोड़ी सी और। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज है, दर्जा हरारत का बढ़ना है, पूरी दुनिया में, किसी एक इलाके में नहीं है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन सम अदर गैसेस। ये इसकी वजह जो बेसिक बताई जाती है वो ये है कि जब माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बढ़ जाएगी, इसके साथ साथ और बेशुमार गैसेस हैं। आपने साइंसेज में पढ़ा होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बेशुमार गैसेस का मजमुआ है, जिसमें ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और इसके अलावा बेशुमार गैसेस हैं, उनकी मिकदार जो है वो डिफरेंट है। लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, कारखाने चल रहे हैं और मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ साथ जो मोटर व्हीकल्स हैं उनकी उनका इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो गैसेस में भी इजाफा हो रहा है, जो स्मोक उसमें से निकलता है, उससे जो है वो एटमॉस्फेयर खराब भी हो रहा है, बल्कि ना सिर्फ खराब हो रहा है बल्कि ये कि जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल बढ़ना शुरू हो गया है दुनिया के हर हिस्से में जो है। ज़ाहिर तरक्की के ये सारे चीज़ें नजर आती हैं और उसकी वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया है। सो इस चीज़ को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। साइंटिस्ट स्टिल डू नॉट एग्री अबाउट द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो साइंसदान हैं वो अभी तक इस बात पे राजी नहीं हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजूहात जो हैं वो क्या हैं, यानी किसी एक वजह पे वो एग्री नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की राय है। सम ऑफ देम थिंक दैट इट इज अ नेचुरल चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ आवर प्लैनेट। कुछ साइंसदान ये समझते हैं कि ये एक कुदरती तब्दीली है, यानी कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इंसान जो कर रहे हैं, उसकी वजह से नहीं बल्कि नेचुरली कुदरती तौर पे ये तब्दीली आ रही है, और कुदरती तौर पे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। ये कुछ साइंसदानों की राय है। अदर्स हाउ एवर बिलीव दैट इट इज कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच मीन्स एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन द एनवायरमेंट। जबकि कुछ साइंसदान ये समझते हैं, वो जो हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा था, अरिनियस ने कहा था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा है और आने वाले वक्तों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत सारे साइंसदान जो हैं वो इसी बात पे बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं कि ये जो टेम्परेचर बढ़ा है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी कि जो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो मुसलसल बढ़ रही है और उसके बढ़ने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये दो तरह की राय है लोअर साइंसदानों की। दीज गैसेज इमिटेड फ्रॉम मोटरसाइकिल्स, फैक्ट्रीज, एयर कंडीशनर्स एंड मेनी काइंड ऑफ स्प्रेज कंटेनिंग CFCs। ये जो गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? जो मोटरसाइकिल्स हम यूज करते हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकल रहा है, इसी तरह से एयर कंडीशनर्स जो हमारे घरों में एसी हम लोग यूज करते हैं, इसके जो गैसेस निकलती हैं, और उसके अलावा मोस्ट काइंड्स ऑफ स्प्रेज,
जो स्प्रे मुख्तलिफ किस्म के हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग कुछ खुशबू के लिए यूज़ करते हैं, बॉडी स्प्रेज भी होते हैं, इसके अलावा कुछ स्प्रेज ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट किलर हैं, घरों में हम लोग कीड़े मार अद्वियात के तौर पे यूज़ करते हैं, या फिर स्प्रे जो मुख्तलिफ किस्म की फसलों पे किया जाता है, तो उससे भी जो गैसेस निकलती हैं उसके अंदर शामिल होता है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेसिक इनफैक्ट हम लोगों के घरों में जो फ्रिज होता है इसके अंदर भी ये गैस होती है और वो जो है खारिज होती है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, जितनी भी चीज़ों में ये गैस यूज़ होती है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमें मोटर व्हीकल्स हमारी ज़रूरत है, फैक्ट्रीज लगाना हमारा ज़रूरत है, एसीज वही भी हमारे जितना गर्मी की शिद्दत हो गई है लोगों की ज़रूरत बनता जा रहा है, रेफ्रिजरेटर्स, इसी तरह स्प्रेज का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs यूज़ होता है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है। तो जैसे कुछ चीज़ों के फ़ायदे हैं लेकिन उसके साथ साथ उनका कोई ना कोई नुकसान भी है। सो ये इसका नुकसान है कि इसकी वजह से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो रही है। टुडे मैनी पीपल इन एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड आर वर्किंग टू सेव द एनवायरमेंट। मौजूदा दौर में बहुत से लोग भी और बहुत सी तंजीमें, पूरी दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इस तरह से अपने माहौल को सेव करने के लिए एफर्ट कर रही हैं, काम कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द मेजर इशूज दैट वी आर डीलिंग विद। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी दुनिया का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा इशू है इस वक्त जो जिसको डील किया जा रहा है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन April 22। दुनिया का जो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को हर साल, वो इसीलिए होता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि अपनी ज़मीन को, अपने प्लैनेट को हमने किस तरह से सेव करना है। एंड पीपल आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग द एनवायरमेंट। और इसी दिन खास तौर पे, वैसे मुसलसल काम हो रहा है लेकिन खास तौर पे April 22 सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे के नाम से, और उस दिन खास तौर पे लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, अवेयर किया जाता है अपने प्लैनेट के बारे में, अर्थ के बारे में, कि उसको सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ग्लोबल वार्मिंग बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और इसके लिए मैं सिंपल आपको एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नहीं है आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, छोटा सा एक क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगी यहाँ पे, नंबर 6 लिखकर आप कर लेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, छोटा सा आंसर दे रही हूँ, लॉन्ग नहीं दूंगी डिटेल बहुत ज्यादा इसकी। द यहाँ पे दिस इंक्रीज नहीं, द इंक्रीज, यहाँ पे दिस की बजाय आप करेंगे द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस। ठीक है, ये 2.5 लाइन्स आप लिखेंगे सिर्फ छोटा सा। What do you know about global warming? वैसे what do you know नहीं लिखना चाहिए था, what is global warming आप लिखें, क्योंकि इस तरह आपको डिटेल देनी पड़ेगी इसकी। या फिर आप ऐसा करें यहाँ तक लिख के, this increase in the temperature of the world, this नहीं, the increase in the temperature of the world is called global warming or the greenhouse effect. It is caused by the increase in carbon dioxide and some other gases. और next paragraph में आ जाएं, यहाँ लास्ट लाइन से, दीज गैसेज आर एमिटेड फ्रॉम मोटरसाइकिल्स, फैक्ट्रीज, एयर कंडीशनर्स एंड मैनी काइंड ऑफ स्प्रेज कंटेनिंग CFCs। ठीक है जी, बस ये इतना आंसर कर लें। एडिशनल क्वेश्चन है नंबर 6 और इसका आंसर आप लिखेंगे, ये दो हिस्सों में मैंने आपको बता दिया, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसके साथ साथ एक्सरसाइज बी एंड सी है, ये आपको मैं क्रिएटिव वर्क में दे रही हूँ क्योंकि सारी डिटेल आपकी बुक में मौजूद है ऑलरेडी और हर एक पॉइंट आपको बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। यहीं से आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर करना है, चूज द करेक्ट आंसर है, इसमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है और उसके बाद ब्लैंक्स हैं। ठीक है, ये आपका क्रिएटिव वर्क है, बुक पे ही सॉल्व करना है, आप इसको करें और इसकी पिक्चर मुझे सेंड करें। एडिशनल क्वेश्चन जो है वो नोटबुक पे आपने काम करना है, एक ही, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग।
और जो प्रोजेक्ट वर्क है ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में दूंगी इंशाल्लाह. सो इट्स इनफ फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.